लगी चिल्लाने कि कपड़ा पहनना तो नहीं भूलता है, खाना खाना तो नहीं भूलता है, ये है वो है। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है औरत को समझाना, और दूसरे को औरत को समझाना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। देखो ये तो पहले यहाँ से टूटा था एक, फिर दूसरा वाला चल रहा था, मैं चला रहा था, तो ये यहाँ से टूट गया। तो जब काम धाम नहीं है तो मुझे निकाल दो, मुझे भेज दो। वो इसीलिए बुला रहा होगा ये गाड़ी देखने के लिए कि क्लीन किया है कि नहीं। वो कफिल की वाइफ जाके चुगली की होगी। तो रात में क्लीन कर रहा हूँ तो ये हालत हो गया पसीने से, तो सोचो दोपहर में किया होता तो क्या हाल हुआ होता। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अभी अभी मैं सो के उठ रहा हूँ और आप लोगों को गुड मॉर्निंग। बाकी अपना देखेंगे आज दिन भर का क्या ड्यूटी रहता है, कैसा ड्यूटी रहता है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को आज दिन भर का रूटीन दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सुबह का 11:13 हो रहा है और आज हॉस्पिटल वाली मैडम का ड्यूटी नहीं है। उसका हस्बैंड फ़ोन करके बोला था कि आज ड्यूटी नहीं है, आज मत आना, तो नहीं गया मैं। बाकी मैं अपना खाना गर्म कर रहा हूँ, वही कल रात वाला। गैस बंद हो जाता है बार बार हवा से, आदमी परेशान हो जाता है। तो गैस चालू कर दिया मैंने। और दोस्तों देखो, ये लीड, ये ब्लूटूथ, देखो ये तो पहले यहाँ से टूटा था एक, फिर दूसरा वाला चल रहा था, मैं चला रहा था, तो ये यहाँ से टूट गया। देखो ये क्या होता है, ये बाद में ये वायर कड़क हो जाता है, फिर ऐसे मोड़ते ही मुड़ता है तो टूट जाता है बिल्कुल। और ये 40-50 रियाल का है, इंडिया का 1100 रुपये का, जो कि ये इंडिया में आप लोगों को 150-200 में मिल जाएगा। चाइना वाला है, तो यहाँ पे चाइना वाला माल जो इंडिया में जो सबसे कम प्राइस में मिलता है, डुप्लीकेट जिसको बोलते हैं, ऐसे काम चलाऊ, यहाँ पे मिलता है 50-40 रियाल का, मतलब 1000-1200 ऐसे में। इतने में इंडिया में क्वालिटी वाला कंपनी का मिल जाता है ब्लूटूथ, जैसे माइक्रोमैक्स का या फिर वन प्लस का, एमआई का, रेडमी का, ऐसे कुछ। मगर ये इसका कोई कंपनी है ही नहीं, आप लोग देख रहे हो क्या नाम है इसका, यूनिवर्सल। ये तो ख़राब हुआ ही, बाकी ये जो एयरफोन है ये अंदर डाल रहा हूँ तो कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो पता नहीं ये ख़राब हुआ है कि मोबाइल का जैक ख़राब हुआ है, पता नहीं। अब चेक करना पड़ेगा दूसरा नया वाला एयरफोन निकाल कर, जो मैं दो लेकर आया था, तो एक यूज कर रहा हूँ मैं, बाकी एक रख रखा हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों, अपना खाना गर्म हो गया। देखो मैंने आधा रख लिया था, आधा मुर्गी और आधा चावल, दो टम चल गया। बाकी जो मैंने मिर्ची निकाल रखा था, मैंने एक ही खाया था रात को, क्योंकि सालन था, अंडे का कड़ी था, तो उससे खा रहा था मैं, अच्छा लग रहा था। बाकी ये तो सादा है, देख रहे हो सूखे सूखे चावल, तो इसके साथ मिर्ची तो चाहिए ही कुछ टेस्ट लेने के लिए। ये मुर्गी भी ऐसे ही बस उबाला हुआ है, समझो भुना हुआ है, तो इसमें भी कोई मसाला वगैरह नहीं है, आप देख सकते हो। ये लोग मसाला नहीं लगाते हैं, ऐसे ही बस भून देते हैं, देख रहे हो कोई भी मसाला नहीं होगा। तो इन लोगों का कोई टेस्ट रहता ही नहीं है, पता नहीं कैसे ये लोग खा लेते हैं, और अपने को तो चाहिए तीखा, तो इसलिए मिर्ची अपना खा रहे हैं। तो चलो दोस्तों, अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी आओ खाना खाने, बिस्मिल्लाह करवा के। हाँ तो दोस्तों, शाम के 4:30 हो रहा है और सुबह से कोई भी ड्यूटी नहीं आया था, और अभी अभी कफिल की वाइफ बुला रही है घर पे, पता नहीं कहाँ जाएगी, क्या ड्यूटी है। तो चलो चल के देखते हैं कि क्या ड्यूटी है और कहाँ जाने वाली है। तो सुबह से अभी गाड़ी चालू होगा, और देख रहे हो कल रात को थोड़ा सा बारिश आया था और गाड़ी कैसे ख़राब हो गया है, पूरा पूरा कचड़ा कचड़ा हो गया है।
देख रहे हो शीशा भर गया पूरा, बस चार बूंद पानी गिरा और कार का ये हाल हो गया। देख रहे हो अब ये मैडम देखेगी तो चिल्लाएगी कि गाड़ी क्यों नहीं क्लीन किया है। यही होता है, दो बूंद जब पानी गिरता है ना तो हवा में धूल उड़ रहा होता है, और जब पानी गिरता है तो पूरा धूल आकर यहाँ पे बैठ जाता है, यहाँ पे शीशे पे गिर जाता है। देख लो। हाँ तो दोस्तों 4:37 हो रहा है, मैं आके खड़ा हो गया हूँ कफिल के घर के बाहर। अब देखो मैडम कब बाहर आती है और कहाँ जाती है। हाँ तो दोस्तों 5:17 हो रहा है और वो कफिल की वाइफ और उसकी बहन प्लस देवरानी दोनों मिलके इस वाले घर में आई है लोग, और बोलिए लोग यहीं पे रुक के इंतजार करो, हम लोग 1 घंटे बाद आएंगे। और मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ये कफिल की वाइफ जरूर बोलेगी गाड़ी के बारे में, वही हुआ। और यह है कि मैं आप लोगों को पहले ही बोल देता हूँ कि मुझे अरबी बोलना आता है और मैंने बोला भी। वो बोल रही है कि ये क्या है गाड़ी ये इतना गंदा क्यों है, साफ नहीं है। तो मैं बोला कि रात को बारिश आया था तो गाड़ी खराब हो गया था। तो लगी चिल्लाने की तो दिन भर कोई ड्यूटी नहीं था तो दिन भर कोई साफ नहीं करना चाहिए था। तो मैं बोला दिन भर धूप था, मैंने सोचा था रात को साफ करूंगा। तो लगी चिल्लाने की कपड़ा पहनना तो नहीं भूलता है, खाना खाना तो नहीं भूलता है, ये है वो है, मतलब खूब अपना चिल्लाने लगी कि गाड़ी साफ करना नहीं आता है, काम वाम है ही नहीं कोई, दिन भर रूम में पड़ा रहता है फिर भी गाड़ी साफ नहीं किया। तो यही सब सुना रही थी, बाकी मैं चुपचाप सुन लिया और अपने ला के यहाँ पे छोड़ दिया। और आप लोग ये मत समझो कि ये लोग खाना देती है, लोग मैं दिखाता रहता हूँ आप लोगों को ये खाना मिला वो खाना मिला तो बहुत ही अच्छी है लोग, ये सब अपना वो खाना जो बचता है उसमें से वो पूछ लेती है लोग, दे देती है लोग, ये सोचती है लोग कि फेंकने से अच्छा दे दो इसको, तो वही खाना देती है लोग। ये नहीं है कि अपना अलग से कोई खरीद के देती है लोग, या फिर देखते हो आप लोग कि 2-2 रियाल का हिसाब ले लेती है लोग। पूरे महीने भर में सैलरी के अलावा 2 रियाल एक्स्ट्रा मुझे ऊपर से नहीं मिलेगा। हाँ ये जो खाना जो बचा रहेगा वो खाना दे देगी लोग और खिला देगी लोग, यही बस इतना हो सकता है। तो यही है कि मैं अभी बोल ही रहा हूँ तो वो अपना चिल्लाना चालू किए कि कुछ सुन ही नहीं रही है लोग। तो दोस्तों दुनिया का सबसे मुश्किल काम है औरत को समझाना, और दूसरे को औरत को समझाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए शेख लोग यहाँ पे अपना एक ड्राइवर रखे रहते हैं ताकि उन लोगों से गिर ना करे ये लोग। जो भी बहू का बेटे का गुस्सा रहता है वो लोग अपना ड्राइवर पे निकालती है लोग, ड्राइवर से बहस करके ड्राइवर से लड़ाई करके ये लोग निकालती है लोग। तो यही तो देखो अब मैं यहाँ पे लाके छोड़ा हूँ, तो देखो अब गुस्से में मुझे यहाँ पे रोक रखी है 1 घंटा 1.5 घंटा शायद यहाँ पे रोकेगी लोग। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अपना, देखते हैं जब बाहर निकलेगी मैं छोड़ के फिर जाऊँगा अपना अलबादिया में कुछ बनाने के लिए लूँगा, फिर खाना बनाने के बाद ये कार को क्लीन कर दूंगा। मैं तो वैसे भी क्लीन करने ही वाला था रात को, दिन में दोपहर में धूप था, सो के उठा मैं 10 बजे, आप लोगों को दिखाया था कि आज ड्यूटी नहीं है तो उस समय धूप रहता है। देख रहे हो कि अभी शाम है, शाम के 5:30 हो रहा है, फिर भी ये देखो पसीना पसीना हुआ पड़ा हूँ मैं, फिर भी मैं इधर छाँव में खड़ा हूँ। तो वहाँ पे धूप रहता है बिल्कुल, जहाँ पे मैं गाड़ी खड़ा करता हूँ वहाँ पे कैसे क्लीन कर सकते हैं। रात को मैं खुद ही क्लीन करने वाला था, मगर इन लोगों का ये है कि सबर नाम का कोई चीज नहीं होता है। जैसे मैंने इसको बोल दिया था कि रात को बारिश आया था तो ये गाड़ी खराब हो गया, तो ऐसे ही प्यार से बोल देती कि रात को क्लीन कर देना, या फिर मैं खुद ही क्लीन करने वाला था, अगर 1-2 दिन देखती अगर क्लीन नहीं मिलता तब ना बोलती कि मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ तो गाड़ी क्लीन नहीं कर रहा है। नहीं, रात को खराब हुआ, अभी शाम को एकदम बहस चालू कि खाना खाना तो नहीं भूलता है, कपड़े पहनना तो नहीं भूलता है, ये नहीं होता वो नहीं होता, मतलब मैं भी चुप हो गया। जो बाकी सुन लिया, वैसे भी मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर पहले मैं डर जाता था जब ऐसे बोलती थी लोग तो दिल में धक धक होने लगता था कि भेज देगी लोग तो काम से मैं निकल जाऊंगा, काम क्या कर पाऊंगा, भूखे मरने लगूंगा। तो पहले जब छुट्टी जाने से पहले मैं बहुत ही डरता था। आप लोग देखोगे मेरा पुराना वीडियो तो कैसे जब मैडम लाइसेंस बनवाना शुरू की थी तो मैं डर गया था कि मेरा नौकरी चला जाएगा। अब तो ये मुझे कल भेजे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही चल रहा है, यहाँ पे भी खाने कमाने में ही जा रहा है और वहाँ पे भी जाएंगे तो खाने कमाने लायक तो अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाएगा, यह है कि इंशाल्लाह भूखे नहीं मरेंगे। नहीं गाड़ी तो अपना बाइक है ही, ये कि नहीं कि जाके बाइक लेना पड़ेगा, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, 1-2 महीना भूखे मरना पड़ेगा, नहीं, सब रेडी है, बस आईडी चालू करते उसी दिन से अपना
डिलीवरी का काम हो जाएगा। बाकी अगर दोस्त गाड़ी देगा तो अभी अपना 10 दिन में 15 दिन में हाथ बैठ जाएगा। तो अपन तो जानते हैं बस यही है, लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम है और थोड़ा मैनुअल का गियर का प्रॉब्लम होगा, तो वो 10 दिन 15 दिन लगेगा हाथ बैठाने में, वो हो जाता है। कितने लोग नए नए सीख के वहाँ पे चला ही रहे हैं ना। तो चलो दोस्तों, अभी देखो मैडम जब बाहर आती है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कब आती है। तो दोस्तों 6:16 हो रहा है, अभी भी उधर अंदर ही है कफील की वाइफ। तो दोस्तों 6:37 हो रहा है और वो कफील की वाइफ बोल रही है अभी हम लोग बाहर आ रहे हैं, गाड़ी को गेट के बाहर खड़ा करो। देखो वहाँ से यहाँ तक पैदल चल के नहीं आ पाएगी, तो वहाँ खड़ा कर देता हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों मैंने ये गेट के बाहर खड़ा कर दिया है। देखो अब आती है मैडम, तो फिर छोड़ के देखते हैं और कोई ड्यूटी रहता है कि नहीं। अभी इसकी बहन को छोड़ना पड़ेगा, फिर इसको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद और कोई ड्यूटी रहेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों 7:17 हो रहा है, वो मैडम को ला के छोड़ दिया, पहले इसके बहन को छोड़ा फिर इनको ला के छोड़ा। और अभी अभी नौकरानी ने पैसा दिया है श्रीलंका में भेजने के लिए, तो बैंक तो अभी बंद हो जाता है 5-6 बजे, तो कल सुबह 11 बजे जाके मैं भेजूंगा। और बाकी उधर से बाहर निकलते फिर से चिल्लाने लगी थी कि अभी तक तू ये गाड़ी क्लीन नहीं किया, मतलब वहाँ पे बाहर खड़ा होकर मैं गाड़ी क्लीन करने लगूँ। और फिर अपने बहन से मिल के शिकायत कर रही थी कि कोई काम धाम करता नहीं है, हमेशा सोता रहता है, हमेशा ये करता है वो करता है। देखो गाड़ी क्लीन करने के लिए बोली थी, गाड़ी क्लीन नहीं किया अभी तक, तो जब काम धाम नहीं है तो मुझे निकाल दो, मुझे भेज दो, मैं रो तो नहीं रहा हूँ, अपना क्यों जबरदस्ती का ड्राइवर रख रखे हो। आप लोग देखते हो कि काम है ही नहीं और मुझे फुर्सत भी नहीं मिलता है, ये सामान लाओ वो सामान लाओ, ये सोचती है ना कि बस मैं जो काम करवाती हूँ बस वही होता है, बाकी इसके बहन लोग, इसकी बेटी लोग, इसके बेटा लोग, इसकी बहू लोग काम करवाती है वो गिनती में है ही नहीं। 4-5 घर का काम रहता है, कब किधर से फोन आ जाए पता नहीं। तो मैं आज खाना बनाने वाला था कुछ अच्छा चीज़, मगर देख रहे हो यहाँ पे इतना लेट हो गया और फिर मूड खराब हो गया मेरा, तो आज खाना नहीं बनाऊँगा मैं, अंडा रोटी कुछ भी खा लूँगा मैं बना के, बाकी कल देखा जाएगा। वैसे भी कल मैं जाने वाला हूँ मार्केट में ये पैसा भेजने नौकरानी का, तो उधर ही से अपना कुछ बनाने वगैरह का खरीदारी कर लूँगा, हर चीज़ ख़त्म है, प्याज तेल लहसुन, तो उधर से खरीद लूँगा, बाकी उधर होटल में खा लूँगा, बहुत दिन हो गया वो चावल खाए, सादा चावल खाए, तो उधर ही होटल वगैरह में खा लूँगा, बाकी आज रात को कुछ भी बना के खा लेता हूँ, अंडा रोटी कुछ भी। तो ये मैडम कफील की वाइफ अभी उतरते ही सीधे अभी बोली है कि अभी रूम पे जाते ही गाड़ी साफ करो सीधे अभी, तो अभी जा रहा हूँ, अभी जाके गाड़ी साफ करूँगा, बाकी 8-9 बजे अपना अंडा रोटी लेकर बना के खा लूँगा मैं, ऑमलेट बना के खा लूँगा। तो चलो दोस्तों मैं चलता हूँ, अभी गाड़ी क्लीन करूँगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो दोस्तों अभी अभी रूम पे आया मैं, तब तक कफील का फ़ोन आया कि 8:50 पे घर पे आना, तो अभी भूख लगा था तो नाश्ता करने के लिए ये मैं लिया, ये छाछ और केक, नाश्ता करके गाड़ी क्लीन जल्दी कर लेता हूँ मैं, 8:30 तक निकलना है, वो इसीलिए बुला रहा होगा ये गाड़ी देखने के लिए कि क्लीन किया है कि नहीं, वो कफील की वाइफ जाके चुगली की होगी, बाकी और क्या ड्यूटी रहता है कफील का देखेंगे। वैसे भी खाना बनाने जाता मैं तो अभी भी खाना बना पाता नहीं मैं, और अलवादिया गया होता तो अभी देख रहा फोन आ गया कि आ जाना वहाँ पे 8:30 तक, तो खाना कहाँ बना पाते, अभी 7:30 हो रहा है, 1 घंटे में किधर खाना बन जाएगा, गाड़ी भी क्लीन करना है, 1/2 घंटा उसी में लगेगा। तो दोस्तों ये पानी भर रहा हूँ मैं, यही पानी लेके जा रहा हूँ और इसी से क्लीन करूँगा मैं। तो दोस्तों ये पानी लेके आ गया मैं गाड़ी के पास, देखो उतना दूर से उठा के लाया मैं, बाकी अब क्लीन कर लेता हूँ। देखो गाड़ी कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा बारिश हुआ था, बस 4-5 बूंद बरसा था, ये हाल हो गया देख रहे हो। हाँ तो दोस्तों 8:06 हो रहा है, अपना कार क्लीन कर दिया मैंने, देख रहे हो पूरा चमक गया, और अब निकलूंगा मैं 20 मिनट बाद,
ऊपर का अभी रह गया है, देखो यहाँ पे थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। अंधेरे में पानी सूखने के बाद फिर से ऐसा हो गया, देख रहे हो। मिट्टी बहुत ज़्यादा था इसमें, चाहिए था पानी से मारो फुहारा और फिर साबुन लगाओ तभी क्लीन होगा सही से। मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठ गया था। दोस्तों देखो, रात में क्लीन कर रहा हूँ तो ये हालत हो गया पसीने से, तो सोचो दोपहर में किया होता तो क्या हाल हुआ होता।